अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग कहानी को गौर से सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक बच्चा एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। बच्चे की माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी, कामकाज करती थी और अपना और बच्चे का पेट पालती थी। गरीबी की हालत थी, खाने पीने को मुश्किल से मिलता था, लेकिन बच्चा बचपन से पढ़ने का बड़ा शौकीन था, पढ़ाई करने का बड़ा शौक था। बच्चा चाहता था कि मैं इल्म हासिल करूं, पढ़ाई करूं और माँ की कुछ मदद करूं, लेकिन गरीबी की हालत की वजह से उसकी यह हालत नहीं थी कि स्कूल की फीस भर सके और पढ़ाई कर सके। लेकिन बच्चे के अंदर धुन, लगन और पढ़ने की तमन्ना बहुत थी। बच्चे ने सोचा कि मैं स्कूल तो जा नहीं सकता, स्कूल के अंदर तो बैठकर इल्म हासिल नहीं कर सकता, कम से कम स्कूल के बाहर बैठकर कुछ बातें सुनी जा सकती हैं। उस्ताद और टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बातें, वो आवाज़, वो पढ़ाई मैं स्कूल के बाहर बैठ कर सुन सकता हूँ और मुझे फीस भी भरना नहीं पड़ेगी, कोई मसला नहीं आएगा। बच्चे ने वैसे ही किया। अगले दिन से वो गाँव के स्कूल के बाहर जाकर बैठ गया। क्लास में, जमात में जो पढ़ाया जाता वो सुनता, अपने जहन में महफूज करता, याद करता। इसी तरह धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और उसका ये अमल, ये काम वो रोज़ाना करता था। स्कूल के बाहर जाकर बैठ जाता और वहाँ से मालूमात हासिल करता। बच्चा बड़ा होता गया, उसके इल्म में इजाफा होता गया, उसकी मेहनत, लगन, धुन उसको आगे ले जाती गई। कुछ दिनों के बाद उस छोटे से गाँव में एक बहुत बड़े आदमी का, जो कि बहुत मालदार था और नेक था, वहाँ से गुज़र हुआ। उस आदमी ने देखा कि एक बच्चा बड़ी मेहनत के साथ स्कूल के बाहर, जमात के बाहर बैठता है और पढ़ाई करता है। उसे अजीब महसूस हुआ। वो बच्चे के पास गया, उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम अंदर बैठ कर तालीम हासिल नहीं करते। बच्चे ने बताया कि मेरी माली हालत और मेरे घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं स्कूल में बैठ सकूं, मैं इसके लिए बाहर बैठकर ही तालीम हासिल करता हूं। उस आदमी ने बच्चे को अपने साथ लिया, अपने घर ले गया और उसकी तालीम की जिम्मेदारी ली और उसको अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। बच्चा हालांकि पढ़ने का बहुत शौकीन था, पढ़ने की धुन थी, लगन थी, जहीन था। बच्चा तरक्की करता गया और आगे जाकर एक बहुत बड़ा आदमी और काबिल इंसान बना। तो प्यारे बच्चों, इंसान के अंदर अगर धुन हो, लगन हो और कुछ करने की तमन्ना हो तो ज़रूर ब ज़रूर वो कामयाब होकर रहता है। तो इसी तरह आज हम एक सबक इसी बारे में पढ़ेंगे कि इंसान को उसकी लगन, कामयाबी, जस्तजू और धुन कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है। तो आइए बच्चों, हम किताब का सबक नंबर 22, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसके बारे में मुताला करेंगे।